भाई आपका नाम क्या है? राज। राज भाई, राज भाई आप यहीं पे रहते हो क्या? यही। अच्छा, ये कौन सा गांव है? ये बेनकवाड़ा। बेनकवाड़ा भाई, आप मुझे गुमली जाना है तो गुमली कहाँ से जाएंगे? यहाँ से। इस तरफ से। राज भाई जैसे बता रहे हैं कि गुमली यहाँ से जाना है, ये वही रास्ता है जो गुमली की ओर जाता है, तो मैं अभी इसी रास्ते से आगे बढ़ूंगा। अभी हम गुमली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे आसपास सभी जगह पर हरियाली हरियाली है, और ये जो भी पर्वत दिख रहे हैं वो बर्रा डूंगर है। दोस्तों यही है गुमली का प्रवेश द्वार। आप देख रहे हैं कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, सिर्फ सौराष्ट्र या गुजरात से ही नहीं बल्कि आउट ऑफ स्टेट से भी यहाँ पर लोग आते हैं, पूरी बस भर के आई। देखो यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आप देखिए। भाई आप कहाँ से आ रहे हो? ये वेरावल सोमनाथ। वेरावल सोमनाथ से यहाँ पर पूरे फैमिली के साथ आए हो क्या? हाँ, पूरा फैमिली। अच्छा, और आप कहाँ से आए भैया? सोमनाथ से। आपने गुमली देख लिया? कैसा रहा, कैसा अनुभव? बढ़िया। आप क्या करते हो वैसे? वैसे मछली। अच्छा, जैसे कि भैया ने बताया वो वेरावल सोमनाथ से आए हैं, और अभी क्या है जैसे आज रविवार है, छुट्टियों का माहौल है, तो यहाँ पर आने के लिए लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। दोस्तों अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। यहाँ से नौलखा महल बहुत दूर नहीं है। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। दोस्तों आखिरकार अब हम गुमली पहुंच चुके हैं। पोरबंदर से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर गुमली आता है। एक समय पर गुमली जेठवा शासकों की राजधानी थी। 7वीं शताब्दी में जेठवा शासक साल कुमार ने गुमली की नींव रखी। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है गुमली का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर। गुजरात का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर इसको कहा जाता है, क्योंकि जो जेठवा शासक थे वो सूर्यदेव को मानते थे, सूर्यदेव को पूजते थे, और इसीलिए सूर्यदेव की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर सोलंकी युग और सोलंकी स्थापत्य की हमें याद दिलाता है। हम जब इसके भीतर जाएंगे तब ऐसे कई स्थापत्य हमें मिलेंगे जो हमें उस काल की याद दिलाएंगे, खास तौर पर तीन दांत वाले हाथियों की मूर्ति। तो अभी हम मंदिर के भीतर जाएंगे और वहां पर क्या क्या देखने लायक है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो अभी चलते हैं मंदिर के भीतर। अभी हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। दोस्तों अभी मैं नौलखा मंदिर के ऊपर चढ़ रहा हूं। देखिए यही है नौलखा मंदिर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो तीन हाथी है, मतलब एक ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों के जो दांत है एक साथ जुड़े हुए हैं। सोलंकी स्थापत्य की यह मंदिर याद दिलाता है। सोलंकी स्थापत्य में जब कभी भी किसी भी मंदिर का निर्माण होता था उसमें हाथी की भूमिका विशेष रहती थी। तो ये जो तीनों दांत वाले हाथी है, मतलब एक है ये दूसरा बीच में और ये तीसरा, ये तीनों दांत वाले हाथी इस मंदिर का खास
आकर्षण है और यह सोलंकी स्थापत्य की हमें याद दिलाता है। मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7वीं शताब्दी में जेठवा राजा साल कुमार ने गुमली की नींव रखी। बाद में 1820 में राणा उनाजी ने गुमली को जेठवा राज्य की दूसरी राजधानी घोषित की। वहाँ पोरबंदर के जो श्रीनगर नाम का गांव था वहाँ से यहाँ पर स्थानांतरित हुए। 1309 में जाम उनाजी सिंध से यहाँ पर आए और उन्होंने गुमली के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन वह युद्ध हार गए। बाद में उनके बेटे बर्मनिया जी ने गुमली के ऊपर आक्रमण किया और वह इस युद्ध को जीत गए। उसी रात माँ अम्बा ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पिता की गुमली की जीतने की उम्मीदों को मैंने पूरा किया है, तो उस स्थान पर मेरा मंदिर बनना चाहिए। इसलिए बर्मनिया जी ने गुमली के पास की एक पहाड़ी पर एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज लोग आशापुरा माता के मंदिर के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, वो जो सामने पहाड़ी है वहाँ पर है आशापुरा माता का मंदिर। 1313 तक गुमली जेठवा राज्य की राजधानी रही। 1313 में जब राणा बान जी जेठवा युद्ध से हार गए तो वे राणपुरा भाग गए। ऐसा कहा जाता है कि राणा जेठवा को सती सोना से प्यार हो गया था और उसके श्राप से यह शहर नष्ट हो गया। दोस्तों, जैसे कि आपको ये दिख रहा है जो खंडित हो चुका है, एक समय में यह मंदिर का प्रवेश द्वार था। इसे कीर्ति तोरण के नाम से भी जाना जाता था। आप देखिए, पूर्व दिशा की ओर है मंदिर की। सबसे पहले छोटे नंदी महाराज हैं जिनका सिर नहीं बचा। उनके बाद ये बड़े नंदी महाराज हैं जिनका सिर थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन इनके कान नहीं बचे। और ये सबसे बड़े नंदी महाराज, इनका सिर भी नहीं बचा और आगे के पैर भी नहीं बचे। काल की लपटों ने और समय ने इस मंदिर का क्या हाल कर दिया, आप देख सकते हैं। मैं इस कीर्ति तोरण और प्रवेश द्वार को एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, મારું નામ છે હસ્તી। આજે હું તમને બરડા ડુંગર વિશે થોડુંક અને એમાં આવેલો નવલખા વિશે કહીશ। બરડો ડુંગર એક પ્રાકૃતિક છે અને તેની બાજુમાં આવેલો એક આ નવલખો જે ખૂબ જ સુંદર સ્થળ છે। કેટલા સમય લોકડાઉન બાદ અમે અહીંયા આવ્યા છીએ, જોઈને તો અંદરથી ખૂબ જ આનંદ આવી ગયો અને આટલી લીલોતરી જોઈને તો મન પ્રફુલ્લિત થઈ જ ગયું છે। કેટલા સમય બાદ પાછું અહીંયા આવવાનો મોકો મળ્યો છે। ચારે બાજુ આટલું સરસ વાતાવરણ છે અને ફોટો સેશન માટે પણ ખૂબ જ સરસ જગ્યા છે। હું અને મારા મિત્રો તો ઘણી વખત અહીંયા આવ્યા જ છીએ, ક્યારેક ફેમિલી સાથે પણ આવવાનું થાય છે અને જોઈને તો ખૂબ જ મજા આવે છે। અને ઇતિહાસ વિશે તો મને બરાબર નથી ખબર, પણ ઘણો સારો આનો ઇતિહાસ એ છે અને મને પણ ખૂબ જ આના ઇતિહાસ જાણવાની પણ ઉત્સુકતા છે અને આપ જરૂર અહીંયા આવીને મુલાકાત લઈ શકો। દોસ્તો, જૈસા કે આપ દેખ રહે હૈ, યહાં મંદિર દો મંજિલા હૈ। અભી હમ પહેલી મંજિલ કે ભીતર જા રહે હૈ, जहाँ पर गर्भगृह में एक गोलाकार रास्ता आपको मैं दिखाऊंगा। एक बड़ा कमरा भी इसमें है और तीन श्रृंगार चौकी इसके भीतर है। अभी हम गर्भगृह के भीतर जा रहे हैं। मंदिर के भीतर का कक्ष है, लेकिन इसके भीतर कोई मूर्ति नहीं है। મારું નામ દીપ પટેલ છે અને અમે લોકો આજે ગુમલીમાં ફરવા માટે આવ્યા છે। રવિવાર હતો એટલા માટે ફેમિલી સાથે, તો ચોમાસું છે તો પ્રકૃતિ બહુ વધારે છે અહીંયા અને બહુ જૂનું મંદિર પણ છે, તો એને હિસાબે ફેમિલીને લઈને અહીંયા ફરવા માટે જૂની જગ્યા છે તો જોવા માટે અમે આવ્યા છીએ। અને આજુબાજુમાં ઘણા એવા પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા સર્વે કરાવીને ઘણા બધા એવા સ્થળ છે કે જે સારા છે અને જૂની કોતરણી તથા મંદિરનું બાંધકામ ખૂબ જ સરસ છે। है खिड़की और यहाँ से पूरा बरडा डूंगर दिखता है। आप देखिए, ऐसी तीन खिड़कियां यहाँ पर है। ये दूसरी खिड़की है
यहाँ से भी आपको बरडा डूंगर और माँ आशापुरा माता का मंदिर दिखता है, देखिए आप। और अभी मैं आपको मंदिर की तीसरी खिड़की दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी आपको बरडा डूंगर दिखता है, देखिए। दोस्तों ये मंदिर का ऊपर का कक्ष है जहाँ पर जाना प्रतिबंधित है, वहाँ जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। और मंदिर के बाहर अगर आप जब उसके प्रवेश द्वार पर खड़े रहोगे तो वहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि ऊपर नहीं जाना है। देखिए ये ऊपर का सभी हिस्सा, ऊपर की मंजिल देखिए आप। जब मंदिर के गर्भगृह में आप जाओगे तो आपको ऐसे कई सारे स्तंभ देखने को मिलेंगे जिसमें ब्रह्मा, सावित्री, शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हैं। लेकिन अब ये मूर्तियां पूरी तरह से जर्जरित हो चुकी है, इसलिए देखने से भी मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ कौन से देवी देवता की मूर्ति है। कुछ रिनोवेशन हुआ है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें नई है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी चीज़ें नई है। और उसके पास ही यहाँ देखिए आप, हजारों सालों से यह स्तंभ ऐसे ही खड़ा है। तो दोस्तों आपने देखा ये पूरा नौलखा मंदिर था। आपके मन में एक बात की जिज्ञासा जरूर होगी कि आखिर इसको नौलखा मंदिर क्यों कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय में इस मंदिर की जो लागत है, जो खर्च है, वो पूरे 9 लाख रुपए हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उस समय के 9 लाख रुपए। आप सोचो उस समय के 9 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी। तो 9 लाख रुपए की खर्च से, 9 लाख रुपए की लागत से ये मंदिर बना, इसलिए इसको नौलखा मंदिर कहते हैं। एक दूसरा सवाल भी आपको मन में यहाँ आता होगा कि इतना सुंदर और इतना मनोहर जो मंदिर था उसको क्यों तोड़ा गया। कहा जाता है कि जब 1313 में जाम उना जी को जेठवा शासक ने हराया तो अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए जाम बर्मनया जी ने इस मंदिर को तोड़ दिया। ये सभी बातें इतिहास में दर्ज है और मैंने कुछ पुस्तकों का संदर्भ लेके मैंने आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है। इसमें से मेरी खुद की एक भी लाइन नहीं है, फिर भी अगर मैं कहीं पर भी गलत हूँ तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों यहाँ पर गुमली की हमारी यात्रा संपन्न होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे अवश्य अपनी प्रतिक्रिया भेजें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल जर्नी मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आगे हम फिर एक नए सफर में निकलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। गुड बाय।